خواجہ جی خواجہ جی خواجہ جی خواجہ جی नमस्कार आदाब। आज मैं पहुंचा हूं अजमेर शरीफ जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है। इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। इन्हें गरीब नवाज आम जनता ने नाम दिया है। इनका जन्म पर्शिया में हुआ था जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। ये एक सूफी संत थे और सूफी परंपरा का प्रचार करते हुए जीवन के आखिरी पड़ाव में ये अजमेर पहुंचे और अजमेर के ही हो गए। इनकी दरगाह पे मुस्लिमों के साथ साथ बहुत से हिंदू और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी आते हैं। अजमेर शरीफ में केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, ईरान और बांग्लादेश से भी लोग माथा टेकने आते हैं। वैसे तो दरगाह में प्रवेश के कई रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत जो गेट है वो मुख्य बाजार से होते हुए है। इसे गेट नंबर 1 भी कहा जाता है और इसे निजाम गेट भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण हैदराबाद के निजाम ने करवाया था। यदि आपके पास लगेज और डिजिटल कैमरा है तो ये आप अपने होटल के रूम में ही छोड़ के आए क्योंकि आप इसे अंदर लेके नहीं जा सकते मजार में। और अगर आप लेके आ गए हैं तो इनका अपना एक मुसाफिर खाना है गेट नंबर 2 पे, तो आपको जाके वहाँ पे जमा करना होता है वहाँ क्लॉक रूम में। तो अगर आपने होटल नहीं लिया है और आप डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं तो आप यहाँ के मुसाफिर खाने में भी रुक सकते हैं। और अगर आपके पास लगेज है तो आप क्लॉक रूम में जमा कर दीजिए। उसके लिए आपको एक नॉर्मल सा चार्ज देना होता है, तो आप उसे जमा करके कर सकते हैं। और मजार पे आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, तो आप उससे चाहे तो अपनी फोटो भी खींच सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। दरगाह में प्रवेश के समय आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, आपका सर ढका होना चाहिए। यहाँ दरगाह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो अपने सामान जो भी आपके पास पर्स है या मोबाइल है तो उसके लिए आप हमेशा सावधान रहें क्योंकि यहाँ चोरी बहुत होती है। अब मैं नहीं जानता कि ऐसा यहाँ पे क्यों है, लेकिन ये समस्या यहाँ पे है। क्योंकि हालांकि मैंने ये पहले भी सुन रखा था, वहाँ पर जगह जगह आपको नोटिस बोर्ड भी मिल जाएगा और अनाउंसमेंट भी होता रहता है इसके लिए कि चोरी से आप सावधान रहें। लेकिन जब मैं पूरा दिन वहाँ पे घूमता रहा, मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। शाम को मुझे एक फैमिली मिली जो शायद पंजाब से आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पे पास का पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनका किसी ने पर्स मार लिया है जिसमें उनकी सारी आईडी वगैरह थी। तो मैंने उनको रास्ता मैंने देखा हुआ था तो बता दिया कि कहाँ पे पुलिस चौकी है। तो आप, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई लेकिन ये समस्या वहाँ पे है, तो आप अपनी तरफ से सावधान रहें इस चीज को लेकर के। गरीब नवाज के पास सभी अपनी मन्नतें लेकर के आते रहते हैं। क्या राजा क्या रंग, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और कई मुगल सम्राट यहाँ आते रहे हैं। आज के समय में भी भारत और पाकिस्तान के कई बड़े राजनेता और फिल्मी कलाकार यहाँ आते हैं। मकबरे का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। इसके बाद सम्राट अकबर ने यहाँ बाबा के पास औलाद के लिए मन्नत मांगी थी। जब शहजादे सलीम पैदा हुए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर के अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ दो बड़े कड़ाहे हैं जिन्हें देग कहा जाता है और इसमें जो भोजन पकता है उसे नियाज कहा जाता है। इसमें चावल, गुड़ और कई किशमिश मेवे मिला करके इसे पकाया जाता है। ये रात को 11-12 बजे से इसे पकाना शुरू किया जाता है और सुबह 4-5 बजे ये लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ जीतने पे यहाँ बड़ी देग दान की थी। इस देग में 125 मन चावल एक बार में पक सकता है। वहीं छोटी देग जहांगीर ने दरगाह को दान दी थी। मजार के पश्चिम में चांदी चढ़ाया हुआ एक खूबसूरत दरवाजा है जिसे जन्नती दरवाजा कहा। ये दरवाजा साल में 4 बार ही खुलता है, सालाना उर्स के समय, 2 बार ईद पर और ख्वाजा सवाब की पीर के उर्स पर।
अजमेर शरीफ में बाबा की पुण्यतिथि के रूप में 6 दिन का उर्स मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ख्वाजा साहब 114 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने आप को 6 दिन तक कमरे में रखकर अल्लाह की प्रार्थना की। ये उसी उपलक्ष्य में होता है 6 दिनों के लिए। सर्दियों में दरगाह सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला होता है और गर्मियों में सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक दरगाह खुली होती है और ये साल भर मतलब दोपहर में 3 बजे से 4 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए दरगाह को बंद किया जाता है। तो आप भी अपनी मुरादें लेकर के बाबा के दरबार में आइए, बाबा जरूर उसे पूरा करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। और इसी के साथ बाबा के दरबार के नज़ारे के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। मिला है मुझको इसी घर का उतारा, ओ छा बुलंदी ओ बे मुकद्दर का सितारा।